बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू सालार खान यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी जी डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन आपको समझ आ गई क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में फ़र्क क्या होता है, या फिर आप उसको जनरली एक दूसरे डायमेंशन, आप डायमेंशनल फार्मूला को डायमेंशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दी थी जी, ठीक हो गए, समझ आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी। अब आपको कोई भी फार्मूला गिवन हो, कोई भी यूनिट गिवन हो, उससे आप उसकी डायमेंशन बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आज हम थोड़ा सा डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की बात करते हैं, और फिर अगर टाइम हुआ तो मैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल को भी डिस्कस करता हूं इधर। तो अगर मैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी की बात करता हूं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, तो जिस तरह इसका नाम से जाहिर है कि इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो वो मैं बताता हूं जी। तो जरा पहले तो डेफिनेशन लिख के, द फिजिकल क्वांटिटीज, पी क्यू फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, विच डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। इसका मतलब यह हुआ कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी के किसी भी पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। डायमेंशन तो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर है, तो इसका मतलब अगर डायमेंशन नहीं है तो वो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज हैव डू नॉट हैव एनी डायमेंशन, या द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव न्यूमेरिकली वन डायमेंशन। चलिए समझने के लिए लिख ले, न्यूमेरिकली वन डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन, चले लिख ले, बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, तो वे भी मैं आपको बताता हूं। और आप इसको कह सकते हैं, और द फिजिकल क्वांटिटीज हूज डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर जीरो, थीटा जीरो, एन जीरो, जे जीरो, एम्पेयर जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये किस तरह आते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। एक और डेफिनेशन चले लिखे, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। अब एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाएंगे जी, ठीक है। तो चले, डेफिनेशंस आपने लिख लिया है, नहीं लिखी तो चलिए लिखे, वीडियो को पॉज करके लिखे। अच्छा, लिख ली है तो देखे मैं, चले कोई नहीं। प्लेन एंगल हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, एस अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। वो एस क्या था, आर्क लेंथ था कि नहीं था, बिल्कुल था। आर रेडियस ऑफ द सर्कल था कि नहीं था। क्या ये दोनों का नेचर डायमेंशन एल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या एल बाई एल मुझे वन नहीं देता, क्या इसको मैं एल इंटू एल इनवर्स नहीं लिख सकता, वन माइनस वन जीरो, क्या न्यूमेरिकली वन नहीं है। न्यूमेरिकली वन ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, इसका कोई मतलब नहीं है। न्यूमेरिकली डायमेंशन न्यूमेरिकल कोई होता ही नहीं है जी। डायमेंशन आपको नेचर के बारे में बता रहा है, लेकिन इधर तो आप देख के लेंथ लेंथ के साथ कट गया ना जी, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द डायमेंशन ऑफ द लेंथ, यानी इसकी नेचर लेंथ के मुताबिक नहीं है जी। वैल्यू इसकी कुछ भी हो सकती है जी, न्यूमेरिकल वैल्यू, थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एनीथिंग, बट नो डायमेंशन। सिमिलरली आपने देखा था द स्टी रेडियन जो था वो क्या था, एरिया, सरफेस एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर था कि क्या था, चले जो भी था। तो देखे, क्या इस एरिया का डायमेंशन हमें पता नहीं है कि एल स्क्वायर है, बिल्कुल है। क्या रेडियस के स्क्वायर का डायमेंशन एल टू द पावर टू नहीं है, बिल्कुल है। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर मुझे वन नहीं दे रहे, इसका मतलब अगेन दिस डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। और आपको ये भी पता है कि एनीथिंग एक्स टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो एल टू द पावर जीरो, एम टू द पावर जीरो, ये देखिए तीसरी डेफिनेशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरी डायमेंशन हो गई, पहली वाली हो गई, और चौथी वाली भी आपको इधर एक्सप्लेन हो गई ना, सिमिलर क्वांटिटी है कि नहीं है, ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया, ऊपर लेंथ नीचे लेंथ,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n इज इक्वल टू c अपॉन v. c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी गिवन मटेरियल मीडियम. दोनों स्पीड्स हैं, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड है कि नहीं है, तो मीटर पर सेकंड के साथ कल गया, कट गया जी. l t इनवर्स विद l t इनवर्स, अगेन न्यूमेरिकली वन डायमेंशन, नेचर वाइज नो डायमेंशन. इसको कहते हैं जी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज. मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा होगा जी, क्या होता है वो, द साइज ऑफ द इमेज पी अपॉन द क्यू होता है कि नहीं होता, पता नहीं जो भी होता है, जो भी होता है. आप अगर कोई कन्वेक्स लेंस लेट्स से इधर प्लेस करते हैं, इधर आपका ऑब्जेक्ट है जी, इधर इसका इमेज बनता है, लेट्स से ये डिस्टेंस क्यू है, ये डिस्टेंस पी है, बल्कि नहीं इसको क्यू करें, इसको पी करें, हाँ तो पी ओवर क्यू आता है, मेरे ख्याल में इसी तरह होता है. दोनों डिस्टेंसेज है, अगेन अगेन दोनों का नेचर डिस्टेंस है, एल एल कैंसल, नो डायमेंशन जी. कोई और एग्जाम्पल मेरे पास अगर है, चले बस मेरे ख्याल में, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को चले लिख के, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को लेते हैं म्यू, जो कि होता है द फ्रिक्शनल फोर्स एफ डिवाइड बाय द नॉर्मल फोर्स. ये दोनों फोर्सेस है, मैंने आपको कहा था कोई भी फोर्स हो डायमेंशन सेम होगा, एम एल टी नेगेटिव टू, एम एल टी नेगेटिव टू कैंसिल हो गया जी, डायमेंशन लेस. ऑल प्योर नंबर्स आर डायमेंशन लेस, ऑल pure numbers are dimensionless. 5 है, 10 है, 25 है, 32.6 है, इसकी कोई डायमेंशन है, ये कोई किसी बेस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं है जी. ठीक हो गया जी. साइंटिफिक कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो बताता हूं, छोड़े उसको. पाई है, पाई डायमेंशन लेस है, क्यों, किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को आप डिवाइड करें उसके डायमीटर पर, वो आपको वही फिक्स वैल्यू देता है 22/7. अगेन एक प्योर नंबर भी आ गया, लेकिन आप इधर अगर डायमेंशनल वाइज देखें तो सर्कमफेरेंस एक लेंथ है कि नहीं है, डायमीटर एक लेंथ है कि नहीं है. अगेन जी एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट ई, एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट, चले मैं इधर लिखता हूं एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट ई जो है, जिसकी वैल्यू आप 2.718 तक राउंड ऑफ करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू अगेन आ गई तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है. सर जीशान मोगल के स्टूडेंट्स फंक्शंस के चैप्टर में सेकंड ईयर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितना वो जबरदस्त एक्सप्लेन करते हैं यार, मुझे मेरी क्लास की याद दिला दी आपने. एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप जानते होंगे, और अगर कोई सर जीशान मुगल का स्टूडेंट है तो उससे तो बेहतर कोई ये नहीं जानता. समझ आई, तो मेरे ख्याल में ये काफी है ना, समझ तो आपको आ गई होगी ना. बिल्कुल आ गई जी. अच्छा ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी इधर लिखा हुआ है जी, कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी है वो भी वो है डायमेंशनलेस है. क्यों है तो वो आपको पता है ना जी, क्यों है, साइन ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, कोसाइन और सीकेंड और ये और वो, क्या आपको पता नहीं है कि ये क्यों है, पता है ना आपको, बाय डेफिनेशन ऑफ द साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा की डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. क्या परपेंडिकुलर एक लेंथ नहीं है, हाइपोटेन्यूस एक लेंथ नहीं है, कैंसिल हो गया. कॉज ऑफ थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, अगेन द सेम थिंग, प्योर नंबर्स पाई एटसेट्रा, ये आपको पता होना चाहिए. मैं अगर एक जनरल सा एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, अगर मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, लेट से मैं इधर लिखता हूं फिजिकल क्वांटिटी, तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो या तो वो कांस्टेंट होगा, इसका मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, और या तो फिर वो बोर्ड के रेंज में है, वेरिएबल होगा, रेंज में है, इसका मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो वेरिएबल होगा. तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को मैं डिफाइन करता हूं. अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं, अब उनको मैं दो कैटेगरीज में डिफाइन करता हूं, या तो उनका डायमेंशन होगा, इसका मतलब डायमेंशनल,
या उनका डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशनलेस। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स यानी यही कॉन्स्टेंट जो है पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, म्यू नॉट है, जिसकी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अब डायमेंशनल कॉन्स्टेंट कौन से है? तो आपने जो के पढ़ा पिछली वीडियो में, जो जो कूलंबिक फोर्स का कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू क्या है जी? 8.85 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 11 समथिंग है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलंब स्क्वायर्ड। उसका हमने डायमेंशन निकाला था जी। तो क्या ये डायमेंशनल कांस्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है, यानी यूनिवर्सली कांस्टेंट है। म्यू नॉट द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी अपनी एक वैल्यू है विद अ पर्टिकुलर यूनिट, डायमेंशन आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 6.67 × 10⁻¹¹ कुछ यूनिट है, मैंने पिछली वीडियो में इसका भी डायमेंशन निकाला था, डायमेंशन इसका है। और बोले ना यार आप, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी की डायमेंशन हमने पिछली वीडियो में निकाली थी कि नहीं निकाली? क्या वैल्यू? मेरे ख्याल में इसकी वैल्यू 6.67 है। वो के की वैल्यू मेरे ख्याल में पता नहीं 8.99 × 10⁻¹⁹ है कि पता नहीं क्या है। जो भी है यार, वो मेरा मसला नहीं है। आपको पता है कि उसका यूनिट है, उसका डायमेंशन है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सी जो है, क्या वो एक यूनिवर्सल? अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, मैं लिखता हूं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट वैल्यू है विद अ यूनिट, इसका मतलब इसका डायमेंशन है। समझ आई कि नहीं आई? इतने एग्जांपल्स काफी है ना यार, बाकी आप जो गूगल यूट्यूब आप सारा दिन फजूल में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ा सर्च कर ले अपने, ठीक है। अच्छा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, वो कांस्टेंट जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो वो क्या है? क्या पाई एक कांस्टेंट नहीं है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने आपको ई बताया, क्या उसका कोई वो है, डायमेंशन है? नहीं है। और जो प्योर नंबर्स है, चले वही लिख ले यार, बस इतना काफी है, प्योर नंबर्स चले लिख ले। बाकी एग्जांपल अगर आपके दिल में हो तो चले कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, इसके बाद वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स भी अगेन डायमेंशनल होंगे या फिर डायमेंशनलेस होंगे? तो डायमेंशनल वेरिएबल्स तो सारे है जी, वेलोसिटी स्पीड है कि नहीं है, एक्सेलरेशन है कि नहीं है, फोर्स है कि नहीं है, हाँ और क्या है, टॉर्क है, वर्क है, एनर्जी है, मोमेंटम है, बता दे जाए ना यार, अब ये भी नहीं बता रहे। फिजिकल क्वांटिटी जो आपके दिल में आए बताए, चले कमेंट सेक्शन में लिख, समझ तो आ गई ना। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, अब थीटा जो है प्लेन एंगल हमने पढ़ा है, डायमेंशनलेस वेरिएबल है कि नहीं है? फिजिकल क्वांटिटी एस के साथ चेंज होगा, आर के साथ चेंज होगा, लेकिन डायमेंशन उसकी नहीं होगी। स्टीरेडियन ओमेगा जो हमने पढ़ा है, एरिया ऑफ द सरफेस एरिया के साथ चेंज होगा, और जो क्यूब है उसका आर के स्क्वायर के साथ चेंज होगा, डायमेंशनलेस वेरिएबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने इधर आपको बात की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम तो चेंज होगा ना, तो इसका मतलब ये चेंज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेन का नाम आपने सुना हुआ है, स्ट्रेन, स्ट्रेन है कि स्ट्रेस है? स्ट्रेन मेरे ख्याल में द चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ को कहते हैं, मेरे ख्याल में आपको पता होगा, द चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो क्या ओरिजिनल लेंथ के साथ चेंज नहीं होगा? चेंज ऑफ लेंथ जितना आप कंप्रेस करेंगे उतना चेंज नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, ज़रा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ तो आ गई ना? समझ आ गई। चले प्लैंक्स कांस्टेंट लिखे जी, इधर से आवाज़ आई प्लैंक्स कांस्टेंट, तो उसको मैं किधर लिखूं? कौन से वाले में कैरेक्टराइज करूं? डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस कांस्टेंट में इज इक्वल टू एच एफ, उसकी रिलेशन है कि क्या है पता नहीं, जो भी है प्लैंक्स कांस्टेंट लिख, ठीक हो गए जी, यही पे वीडियो को खत्म करते हैं। चले आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।